केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मंत्री स्मृति ईरानी का आज रायपुर दौरा था, जिसको लेकर कृषि मंत्री चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी शिव प्रकाश सहित केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, लेकिन लगातार मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। मंत्री चौबे ने कहा कि मंत्रियों के पास कोई जवाब हो भी नहीं सकता, महंगाई आसमान पर है, डीजल पेट्रोल ईंधन का प्राइस बढ़ रहा है, कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी परेशान है, देश को महंगाई के गर्त में डालने का कोई दोषी है तो कोई केंद्र सरकार की नीतियां हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से, विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया, तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है, तो उसके क्या जवाब देंगे? डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ईंधन गैस की कीमत, सारे घरेलू उपयोग की जिंसों की कीमत, आम आदमी से लगभग अब कमर तोड़ महंगाई से बहुत परेशान है। कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है, तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं।